हेलो फ्रेंड्स, पीपीएस नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रिक्वायरमेंट है, नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की डेट है 23/10/2021। क्वालिफिकेशन क्या है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपको इस तरह के लेटेस्ट अपडेट से न्यूज़ देता रहूँ। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वो गूगल क्रोम पे टाइप करना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टाइप किया आपने। इस टाइप करने के बाद इस तरीके से ओपन होता हुआ पेज दिखाई देगा, फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आया रिक्वायरमेंट, जो सबसे रिसेंट का रिक्वायरमेंट है वो आपको टॉप में दिखेगा। सेप्टेम्बर 2021 सेप्टेम्बर की अपडेट्स है। एडवर्टाइजमेंट है, तीन एडवर्टाइजमेंट है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स करके बताऊंगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि आपकी पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो अब इसमें यहाँ पे हम क्लिक किए, अब यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, आपको ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट है और एडवर्टाइजमेंट नंबर के हिसाब से नॉन टीचिंग पोजिशन ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये तीन ग्रुप में बटे हुए हैं। तो मैं आपको केवल ग्रुप ए का बता रहा हूँ, बाकी आप अपने कैटेगरी के वाइज अपना देख सकते हैं। इस तरीके से डाउनलोड किया हमने, पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन एप्लीकेशन आर फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब कि इंडियन सिटीजन के लिए वेरियस टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन है। यूनिवर्सिटी रिजर्व राइट टू चेंज द नंबर ऑफ नेचर ऑफ पोजिशन, चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा कुछ भी कर सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपका पर्टिकुलर आपका जो डेट लिखा हुआ है जो एडवर्टाइजमेंट का आउटलाइन 24/9/2021 डेट ऑफ पी पेमेंट, ये 24/9/2021 स्टार्ट लाइन रजिस्ट्रेशन फाइनल सबमिशन के लिए 23/10/2021 तहत की गई है। इसमें आपको SC BS OBC 1000 रुपये, फीस 50, SC ST वालों के लिए 400 रुपये, बैंकिंग चार्ज 50, और वोमेन PW आपका कोई फीस नहीं है, बैंक 50 लिखी हुई हैं। डिग्री वाइज तरीके से आप अपना देख लीजिए, आपके कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफिकेशंस, तो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू विदड्रॉ एनी एडवर्टाइज पोस्ट एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, द नंबर ऑफ वैकेंसी मे वेरी, वो कभी भी अपना वैकेंसी हटा सकती हैं और वैकेंसी घट बढ़ सकती हैं, वो उनका खुद का डिसीजन होगा। मेयर एलिजिबिलिटी विल नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल फॉर इंटरव्यू इन केस द एप्लीकेंट्स आर मोर इन नंबर स्क्रीनिंग कमिटी शॉर्ट लिस्टेड द सुइटेबल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। पहले आपका सब कुछ आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो उसका एग्जाम भी कराया जाता है। रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए क्या हुआ, रिजर्वेशन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC EW SPWD एक सर्विसमैन शैल बी गिवन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, आपको उस तरीके से छूट मिलेगी रिजर्व कैटेगरी के लिए। रिटन टेस्ट मे बी कंडक्टेड बिफोर द इंटरव्यू फॉर एनी ऑफ द पोस्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमिटमेंट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी का डिसीजन हुआ कि आपका डायरेक्ट इंटरव्यू कराना है, शॉर्टलिस्ट करना है कि एग्जाम कराने हैं उसके बाद इंटरव्यू कराने हैं। ओनली मैट्रिकुलेशन SC ST सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न एजुकेशन बोर्ड विल बी कंसिडर्ड एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपकी हाई स्कूल की SSC की मार्कशीट ही आपको और डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ मानी जाएगी, कोई और डॉक्यूमेंट प्रूफ में नहीं माना जाएगा जो आपके एज के लिए। रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC ST को भी, आपको जो भी कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन उसके कैटेगरी वाइज जो गवर्नमेंट निर्धारित की है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉन रेगुलर एम्प्लॉय एंगेज्ड टू द यूनिवर्सिटी सर्विस शैल बी गिवन एज रिडक्शन एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो यूनिवर्सिटी के रेगुलर नॉन रेगुलर एम्प्लॉय हैं वो भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही उसके एज रिडक्शन पाएंगे जो यूनिवर्सिटी निर्धारित करेगी। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी शुड सबमिट प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट बाय द
लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। मतलब जो भी आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट सा है आपको 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसको आप दोबारा रिन्यूअल कराइए, क्वालिफाई कराइए, उसके बाद ही आपके सर्टिफिकेट को मान्य माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग क्रीमी लेयर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एंड शुड अप्लाई ए जनरल कैटेगरी। यदि ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, तो वो अब जनरल कैटेगरी में ही काउंट उनका होगा, ओबीसी कैटेगरी में नहीं आएंगे। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एस सी एस टी EWS PWD must present their respective certificate as per the government notification in proper format. The certificate must more than the six months से आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपकी सर्टिफिकेट के लिए बारे उसके बारे में बताया हुआ है। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर बिफोर अप्लाइंग दैट दे आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट। कैंडिडेट पूरा एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरीके से पढ़ लें कि वो उस क्राइटेरिया के अप्लीकेबल हैं कि नहीं हैं, पहले क्राइटेरिया देख लें उसके बाद आप उसको अप्लाई करें। द एज ऑफ सुपर एनुएशन शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो एज का रिलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ही आपका चलेगा। एनी लीगल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर ऑफ क्लेम और डिस्प्यूट राइजिंग आउट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। कोई भी क्लेम है किसी भी तरीके से रहेगा वो यूनिवर्सिटी की जो इंस्टीट्यूशन है वही निर्धारित करेंगे। तो इस तरीके रहा, यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। यूनिवर्सिटी आप किसी के भी एप्लीकेशन को विदाउट रीजन रिजेक्ट भी कर सकती है उनको जैसा ठीक लगे। यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू रिजर्व रिशेड्यूल कैंसिल सस्पेंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विदाउट असाइनिंग रीजन। वही कैंसिल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो उनका डिसीजन खुद का रहेगा। एनी कोरिजेंडम चेंज अपडेट विल बी अवेलेबल ओनली एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। कोई भी चेंज होगा इसमें अनऑफ में कोरिजेंडम में वो आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ही अपलोड होगी। द कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एनक्लोजर प्रूफ ऑफ एजुकेशनल प्रोफेशनल एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ETC। दे विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इंक साइंड कॉपी ऑफ NOC फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको NOC देना होगा, NOC इंक साइंड कॉपीज को के लिखे हुए हिमाचल वैलिड माने जाएंगे। NOC देने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी इलाहाबाद इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन मोड ऑफ सिलेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इंटरव्यू विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अदर कैंडिडेट्स एट नो इंक्वायरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट विल बी एंटर्ड इन द थर्ड। तो जो भी आपका डिसीजन लिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाएगा उनके अकॉर्डिंग ही आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के थ्रू उसके थ्रू ही आपका सिलेक्शन होना है। एप्लीकेशन इज रिसीव्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब डेट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। डेट निकलने के बाद कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट या माने नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से रहा, और इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया हुआ है पूरा, और ये सब सारी चीज़ें डिटेल्स में दी हुई हैं। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अगेंस्ट लीव वैकेंसी एज शैल नॉट एक्सीड 35 ईयर्स। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज लिमिट। SC ST OBC फिजिकल चैलेंज एक्सपीरियंस कैटेगरी के लिए आपकी गवर्नमेंट इंडिया के हिसाब से जो उनकी एज रिलैक्सेशन मिलेगी वो मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन क्वाइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। डिजायरेबल 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज इन सुपरवाइजरी लेवल इन एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस एग्जामिनेशन अकेडमिक ऑफ यूनिवर्सिटी इन लेवल 7। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सब जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ ऑन डिप्यूटेशन शैल नॉट एक्सीड 55 ईयर्स। रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC फिजिकल टैलेंट एक्सपीरियंस कैटेगरी शैल बी गिवन एज फॉर गवर्नमेंट नॉर्म्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री जो भी है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और डिजायरेबल PhD को माना जाता है। उसके बाद है
इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंजीनियर सेल नॉट एज सेल नॉट बी एक्साइड 35 ईयर्स एज लिख सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी के लिए जो मिलता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन। पीरियड प्रोबेशन 1 ईयर का रहेगा आपका, ये परमानेंट नहीं है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सेल नॉट बी एक्साइड 40 ईयर्स यानी 40 ईयर्स आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो है एससी एसटी ओबीसी इनको मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ए बैचलर डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विथ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 10 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा बैचलर डिग्री के साथ सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर असिस्टेंट या मेंटेनेंस ऑफ इंजीनियर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगा होना चाहिए आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। इसके ऊपर ग्रेड पे जो लिया हुआ है 5400 रुपये है, काफ़ी अच्छा सैलरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको डिजायरेबल होगा। गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक्सपीरियंस प्लानिंग आर्किटेक्ट अर्बन डिजाइनिंग मैनेजमेंट सुपरवाइजरी कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लेक्चरर थिएटर लेबोरेटरी ऑडिटोरियम रेजिडेंशियल क्वार्टर्स रोड वाटर सप्लाई सैनिटरी इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड इट्स मेंटेनेंस इटी थी। तो इस तरीके से रहा आपका पूरा। अब हिंदी ऑफिसर हिंदी अधिकारी के लिए आयु सीमा दी हुई है। आयु सीमा 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं स्वायत्त संस्थाओं कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि जो दिए हुए हैं तछड़ी का हटता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या समतुल्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ मास्टर डिग्री इस तरीके से दिया हुआ है आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। फिर इंटरनल ऑडिट ऑफिसर सेल नॉट बी एक्सीड 55 ईयर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑडिट ऑफिसर के लिए। अब मास्टर डिग्री आपको मांग रखा है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। कैंडिडेट्स को जो सैलरी मिलेगी वो 1,52,000 तक मिलेगी, काफ़ी अच्छी सैलरी है। मेडिकल ऑफिसर का है सेल नॉट बी एक्सीड 35 ईयर्स मेडिकल ऑफिसर 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए एक्सेप्शन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमबीबीएस और इक्विवेलेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। डिजायरेबल है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स तो इस तरीके से आपको देख रखा है कि सारा कुछ डिटेल्स है मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया के हिसाब से अपना देख लीजिए कि क्या आपके लिए सुइटेबल है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपको इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ देता रहूं। धन्यवाद।